नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लास स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। मेरा नाम है कपिल कुमार और मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, जैसे कि अब करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं आपके लिए लाया हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें, ताकि इससे अगला आने वाला नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सबसे सफल शीतकालीन ओलंपियन कौन बन गई है? उसका नाम है मैरिट बोयरगेन। जी हाँ, वो मैरिट बोयरगेन है, ठीक है। नॉर्वे की क्रॉस कंट्री इसकी और मैरिट बोयरगेन 21 फरवरी 2018 को कांस्य पदक, जी हाँ, इन्होंने एक कांस्य पदक जीता है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, के साथ ही शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। 17 फरवरी को महिलाओं में 4x5 किलोमीटर रिले में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी ओले इनर, ये याद रखना भाई, इनकी बराबरी कर ली है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेटन टेस्ट लूप सुविधा विकसित की है? उसका नाम है IISc बैंगलोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बारे में, भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेस्टन टेस्ट लूप सुविधा विकसित की है, जिससे सौर ताप, यहाँ पे देखो सौर ताप सहित भविष्य के ऊर्जा संयंत्रों से स्वस्थ ऊर्जा उत्पादन में मदद मिलेगी, ठीक है। यह अगली पीढ़ी का टेक्नोलॉजी लूप भारतीय संस्थान बेंगलोर द्वारा स्वदेश में विकसित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने स्कूल में प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है? जी हाँ, उसका नाम है केरल, ठीक है, केरल ने कराया ये। अब अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में किस तारीख से यूरो 6 मानक लागू किए जाएंगे? वो 1 अप्रैल 2018 से किए जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पढ़ के स्पष्टीकरण दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब केंद्र में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए यूरो 6 पेट्रोल और डीजल की दिल्ली में आपूर्ति तय समय सीमा से 2 साल पहले अर्थात 1 अप्रैल 2018 से शुरू कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 30 दिनों के लिए आपातकाल जो है राष्ट्रीय उसको बढ़ा दिया है? उसका नाम है मालदीव, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल हसन की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? ठीक है, इनकी पार्टी का जो नाम है पीपल जस्टिस पार्टी है, ठीक है। अब मैं इसका स्पष्टीकरण दे सकता हूँ आपको कि अभिनेता से राजनेता बने तमिल एक्टर कमल हसन ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है। हसन ने 21 फरवरी 2018 को तमिलनाडु में मदुरई में अपनी पार्टी के आधिकारिक नाम की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने गोवा राज्य विधानसभा में वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया, उनका नाम है मनोहर पर्रिकर, ठीक है। हम नीचे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? उसका नाम है पृथ्वी 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण मैं दे देता हूँ आपको कि भारत में 21 फरवरी 2018 को देश में निर्मित परमाणु आयुध में ले जाने सक्षम तथा 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले पृथ्वी 2 मिसाइल को उड़ीसा के एक परीक्षण केंद्र से सफल रात्रि परीक्षण किया गया। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हाल ही में शुरू हुए भारत इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है गरुण शक्ति, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विश्व का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? उसका नाम है भारत। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।